गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एंड और इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। सबसे पहले देखते हैं एंड और इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो इट रिक्वायर्स बुलियन फंक्शन इनटू एसओपी फॉर्म। इसके लिए बुलियन फंक्शन एसओपी फॉर्म के अंदर होना चाहिए और एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर बुलियन फंक्शन इस फॉर्म में नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे। सपोज लेट्स टेक अ क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। आपको एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है एंड दैट वन इज एफ इक्वल टू बी प्लस ए सी प्लस डी ई। इसका है कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इसको जो है सॉल्व करना है यूजिंग एंड और इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन से। तो यूज़ करना है आपको एंड और इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब करते हैं इसको और यहाँ पे है सबसे पहले एंड प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे और इसके लिए यूज़ होगा प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट। तो हमने इनपुट्स दिए बी, फिर हैं ए सी और ये हैं एंड गेट में, मल्टीप्लाई में मतलब एंड गेट में। फिर है डी ई, ये भी है एंड गेट में, यानी प्रोडक्ट है इनका, मल्टीप्लाई है। अब ये सारे जो हैं ये मल्टीप्लाई, ये बी हुआ, ये ए सी, ये डी ई। अब इन तीनों का जो है प्लस चाहिए हमें, तो प्लस के लिए हम लगाएंगे और गेट। ये हमने लगाया प्लस के लिए और गेट और ये हो गया हमारा प्लस। तो इतना हो गया है, अभी हुआ है बी प्लस ए सी प्लस डी ई। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको नोट कर देंगे और ये हो गया बी प्लस ए सी प्लस डी ई का कॉम्प्लीमेंट, डेट इज़ एफ। तो यहाँ पे यूज़ हुए हैं एंड गेट, यहाँ पर है और गेट, ये और गेट लगाया हमने यहाँ पे और ये है नॉट गेट। तो दिस इज एंड और नॉट इम्प्लीमेंटेशन। इसको इन्वर्ट भी बोलते हैं या नॉट बोल सकते हैं। तो ये हो गया एंड और नॉट इम्प्लीमेंटेशन। इस और नॉट को भी हम मिला भी सकते हैं, और प्लस नॉट अगर हमने मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, नॉर गेट। तो नोर गेट बनाने के लिए हम यही इम्प्लीमेंटेशन देंगे और यहाँ पे इस और के साथ ही नोर गेट भी हम लगा सकते हैं, इन दोनों को मिक्स भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे और नोट लगाया है, इन दोनों को मिक्स करके ये नोर गेट हम यहाँ लगा सकते हैं, और नोट को मिक्स करके। ये है आपकी एंड और नोट की इम्प्लीमेंटेशन। इसको नैंड एंड फॉर्म भी बोलते हैं, इसी को नैंड एंड फॉर्म भी बोलते हैं, यानी इसी को हम नैंड एंड गेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बी लिया और यहाँ पे सभी के लिए हमने लगाना है नैंड गेट, फिर हमने लिया ए सी और इसके लिए लगा दिया हमने नैंड गेट, ये इसकी दूसरा मेथड है। और यहाँ पे डी ई लिया, ये नैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं क्योंकि इसी को, इसका एक और नाम है डेट इज़ नैंड एंड फॉर्म। फिर इन सब को हम कर देंगे एंड और रिजल्ट आपका यही आएगा, डेट इज़ दिस वन। तो ये सिंपल यहाँ पे एंड करना है, यहाँ पे हमने नैंड नहीं करना, एंड करना है, डेट इज़ एंड। ये हो गया नैंड एंड फॉर्म, ठीक है। ये भी तरीका फॉलो हो सकता है, बाकी आपको करना है एंड और इन्वर्ट को इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन, डेट इज़ इट रिक्वायर्स बुलियन फंक्शन इन पीओएस फॉर्म। इसके लिए बुलियन फंक्शन जो है हमें पीओएस फॉर्म में चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। अगर नहीं है तो हमें उसे POS में कन्वर्ट करेंगे। अब टेक अ क्वेश्चन, डेट इज़ कंसीडर फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। एक बुलियन फंक्शन हमें दिया हुआ है एंड दैट वन इज
एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ये ऑलरेडी पी ओ एस फॉर्म में ही है, ये सम है और इसका है प्रोडक्ट, तो ये ऑलरेडी पी ओ एस फॉर्म के अंदर ही है। और अब हम इसका निकालेंगे ओर एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन, यूजिंग ओर एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको। तो सर्किट बनाते हैं इसका, ए बी सी, ए बी सी ये तीनों है ओर फॉर्म में, और प्लस के लिए ओर गेट लगता है और गेट है दिस वन, ये है ए बी और सी। फिर हमने लिया ए बी डैश और सी डैश, ए बी इसका किया इन्वर्ट और ये हुआ बी डैश बी बार, सी इसका इन्वर्ट किया और ये हुआ सी बार, इनका कर दिया सभी का और, क्योंकि एडिशन है, एडिशन के लिए और साइन लगता है, ये हो गया। और ये हमारा और गेट लगा दिया हमने। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए हमें पता है कि एंड का साइन यूज़ होता है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और एंड साइन से, यहाँ हमने लगा दिया एंड साइन, दिस वन इज एंड, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट, ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश। अब इसके आगे हम जो है कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, नोट लगा दिया और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश इसका कॉम्प्लीमेंट, डेट इज़ एफ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ और गेट, यहाँ पे एंड गेट और यहाँ पे है इन्वर्ट नोट गेट। अगर हम इन दोनों को मिलाना चाहें एंड प्लस नोट, तो हम मिला सकते हैं और डेट विल बी नैंड गेट, तो हम सीधा नैंड गेट को यहाँ भी लिख सकते हैं लाइक दिस, यहाँ पे ये हम जो है जो हमारी इनपुट्स जाएंगी ये, तो यहाँ पे हम नैंड गेट डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपकी और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब इसी को ही जो है हम बोलते हैं नोर और इम्प्लीमेंटेशन, नोर और इम्प्लीमेंटेशन भी इसको बोल देते हैं। तो इसकी नोर और इम्प्लीमेंटेशन भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, डैट इज़ ए बी सी, ए बी सी ये हमने जो है किया नोर फॉर्म में, फिर है ए बी बार और सी बार, ए बी बार और सी बार को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और यहाँ पे हमने नोर इम्प्लीमेंटेशन इसकी दे दी। फिर हम इसको दे देंगे और में, और इम्प्लीमेंटेशन में ये हमने और कर दिया इम्प्लीमेंटेशन, तो ये नोर और इम्प्लीमेंटेशन हमने जो है इसकी की, ये सेकंड तरीका है इसको करने का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी लेक्चर्स अगर आपको इजी लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।